उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मथुरा के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव आज मथुरा के जवाहर बाग में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। 2 जून को मथुरा में जवाहर बाग में हुई हिंसा में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। मुकुल द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस की टीम जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने गई थी। पुलिस टीम पर जवाहर बाग में कब्जा जमाए लोगों ने हमला कर दिया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मथुरा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पुलिस लाइन है वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर बिल्कुल उतरने वाला है, और सबसे पहले हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जो यहां के पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं अखिलेश यादव उनसे बात करेंगे, और उसके बाद जो इस हिंसा में एसपी मारे गए थे मुकुल द्विवेदी उनके घर पर वो जाएंगे। उनको सांत्वना देने के बाद अधिकारियों से मीटिंग का दौर फिर शुरू होगा, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम बड़े अधिकारियों के पेश कर देंगे, क्योंकि इस मामले पर पूरी तरह से बीजेपी ने यूपी सरकार को घेर रखा है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर उन्होंने आरोप लगाए कि उनकी सरकार यहाँ पर राम वृक्ष को पनपा रही थी। पाप का एक जो छोटा सा पौधा था उस पौधे को यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने एक पाप का वृक्ष बना दिया। तो मुख्यमंत्री ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो सियासी पानी और सियासी हाथ राम वृक्ष यादव के ऊपर थे आखिर कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने सियासी आशीर्वाद राम वृक्ष यादव को दिया। तो अब से कुछ देर बाद अखिलेश का एक्शन मथुरा में शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मथुरा आने का दबाव इसलिए भी था क्योंकि इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो मथुरा का मुद्दा है वो काफी छाया हुआ है, और बीजेपी ने ऐलान किया है कि मथुरा हिंसा के मामले को वो चुनावी एजेंडा बनाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतनी देर से मथुरा आए हैं। मथुरा से कैमरामैन विजय के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। और अनुराग चड्ढा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, किस तरह से मुख्यमंत्री मथुरा में सच जानने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए शेखर, परिवार के लोगों से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और उन्होंने मीडिया से भी बात की, और उनका ये कहना है कि बीजेपी ने इस मामले को बेवजह तूल दिया है, जबकि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, और जिस वजह से ये पूरी हिंसा यहाँ पर हुई है उसकी तह में जाकर अधिकारी जांच करेंगे। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसमें चल रही है और तमाम तरह की इंक्वायरी इसमें चल रही है, और उसके बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे, और हम इस मुद्दे पर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, जो भी होगा सबके सामने होगा। इसके अलावा बीजेपी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को और कैराना के मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाने का ऐलान किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, तो मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि बीजेपी केवल विकास की बात करती है लेकिन विकास कभी करती नहीं है। इसी तरह का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो हमेशा वो आगे लेकर चलती है, तो उनका कहना है कि फिलहाल इस बारे में तो और कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। फिलहाल वो मथुरा में आए, जो उसके परिवार के लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की और उनको हर संभव मदद देने का उन्होंने ऐलान किया। जी शुक्रिया।